आज का ये क्रमांक बहुत ही लाभान्वित करने वाला होने वाला है, क्योंकि आज के क्रमांक में हमने शामिल किया है कि महाराज जी के सानिध्य में आने के बाद आपके जीवन के सारे कष्ट भला महाराज जी कैसे आपके जीवन से निकाल बाहर फेंकते हैं और अपनी कृपा आपको प्रदान करते हैं। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में अवश्य ही बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। महाराज जी के सानिध्य में जब भी कोई अनन्य भक्त आता है तो महाराज जी अपने अंतर मन से उस अनन्य भक्त के अंतर मन तक एक बात पहुंचाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि यदि कोई भी भक्त हमारे सानिध्य को प्राप्त कर लेता है तो उस अनन्य भक्त को एक विश्वास अपने मन में रखना होता है, और वो विश्वास क्या होता है कि यदि मैं महाराज जी की शरण में जा रहा हूँ या महाराज जी की कृपा पात्र हो गया हूँ तो मुझे अपना सर्वस्व जीवन के सारे सुख और दुख महाराज जी को समर्पित कर देने चाहिए। और ये कार्य जितना शीघ्र आप कर देते हैं उतना ज्यादा आप लाभान्वित होते हैं। जैसे बहुत से अनन्य भक्त एक बात सोच सोच कर बहुत परेशान हो जाते हैं कि मैं महाराज जी के सानिध्य में भी आ गया हूँ, महाराज जी पर पूरा विश्वास भी रखता हूँ, तो जब समय बहुत अच्छा चल रहा होता है उस दौरान तो मैं उस अद्भुत क्षणों का अनुभव करता हूँ और बहुत प्रसन्न रहता हूँ। लेकिन जब जब मेरे जीवन में विकट समय आता है, यानी कि विपरीत तथ्य आते हैं, तो उन विपरीत स्थितियों में मैं घबरा जाता हूँ, बहुत ही साहसहीन महसूस करना शुरू कर देता हूँ, जो कि एक बहुत बहुत गलत बात है। यही चीज महाराज जी आपको समझाना चाहते हैं कि यदि आप मेरे सानिध्य में हो, मुझ पर विश्वास भी करते हो, और उसके बावजूद भी यदि बहुत परेशान रहते हो, बहुत समस्या में घिरे हुए रहते हो, तो ये बहुत ही अविश्वास की बात होती है। यहीं पर शुरू होता है आपके जीवन में एक संशय का दौर। ये संशय कुछ और नहीं, केवल और केवल महाराज जी पर आपकी आस्था का विघटन हो जाता है। ये विघटन ऐसा विघटन होता है जब आपकी आस्था पूरी तरह से शिथिल पड़ जाती है, और ये आस्था शिथिल होने का आशय है कि धीरे धीरे से आप महाराज जी की कृपा से विहीन होना प्रारंभ हो जाते हैं, और ये कार्य आपको पता भी नहीं चल पाता कि कैसे आपके जीवन में अग्रसर हो रहा होता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब आपने अपने सर्वस्व जीवन को, सर्वस्व सुखों और दुखों को महाराज जी को समर्पित कर दिया है, तो ये सोचने का कार्य आपका नहीं है। बिल्कुल भी यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि मेरे जीवन में जो ये विकट समय आया है, ये विकट समय मेरे जीवन से भला कब दूर होगा, कैसे दूर होगा, क्योंकि ईश्वरीय विधान में भी यदि आप हस्तक्षेप करने का प्रयास करेंगे तो उस हस्तक्षेप से हालांकि जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि मनुष्य जो होता है वो जीवन की सारी जितने भी अनुभव की प्रक्रिया है उनको नियंत्रित करने का प्रयास करता है। जिस प्रकार से उगते हुए सूर्य को हम रोक नहीं सकते, रात्रि के बाद दिन के आने को हम रोक नहीं सकते, उसी प्रकार से जीवन में आने जाने वाले जो कष्ट हैं, दुख हैं, परेशानी हैं, उनमें हम हस्तक्षेप कर ही नहीं सकते। हम तो केवल अपना कार्य ईमानदारी से कर सकते हैं, और उस कार्य में भी हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि कभी भी मेरे द्वारा किए गए किसी भी कृत्य से किसी का बुरा ना हो जाए। इस सोच के साथ, इस विचार के साथ यदि आप अब जीवन में आगे बढ़ते हैं, समझ जाइएगा कि आप अपने जीवन में सही मार्ग पर चल रहे हैं। महाराज जी यही समझाते हैं कि आपके द्वारा किए गए कार्य से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, कभी किसी हृदय को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, आपके द्वारा बोले जाने वाले वाक्य से किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि यदि आप जानबूझकर ऐसे कार्य करते हैं तो आप किसी अन्यत्र मनुष्य का नहीं बल्कि स्वयं मेरा, ईश्वर का हृदय दुखा रहे हैं। तो आप स्वयं सोचिए कि जो व्यक्ति अपने कार्यों से, अपने वाक्यों से, अपने सोच विचारों से ईश्वर को रुष्ट कर सकता है, तो फिर ऐसा अनन्य भक्त कैसे भक्ति भाव में आगे बढ़ सकता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न आता है कि आध्यात्म में हम गति नहीं कर पा रहे हैं, आध्यात्म में बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारे जीवन की समस्या क्यों बढ़ रही है। तो उसका सबसे बड़ा अभिप्राय यही है कि हम इस सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में हमें केवल और केवल यही अनुभव होगा कि हम दो कदम आगे चल रहे हैं और एक कदम फिर से पीछे आ जा रहे हैं, क्योंकि हम जाने अनजाने इस बात को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि जीवन में आने वाली हर घटना को आप नियंत्रित नहीं कर सकते, और यदि इतनी शक्ति
साधारण मनुष्य में होती तो फिर मनुष्य जो है वो ईश्वरत्व की श्रेणी में आ जाता। आप स्वयं सोचिए कि आप महाराज जी की कृपा पात्र भी बनना चाहते हैं, महाराज जी के सानिध्य को भी चाहते हैं और महाराज जी की शिक्षाओं का ही अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं, मूलभूत बातों को ही जीवन में शामिल नहीं कर पा रहे हैं, तो भला कैसे आप अपने जीवन में गति कर सकते हैं। इस पर महाराज जी आगे कहते हैं कि जो भी अनन्य भक्त हमारे जीवन से एक बार जुड़ जाता है उस मनुष्य के जीवन के सारे सुख और दुख मुझसे होकर गुजरते हैं। वो सारी उसके जीवन में जो घटनाएं होती हैं उनका विश्लेषण मैं ही करता हूं। और ये महाराज जी अप्रत्यक्ष रूप से कई बार कर चुके हैं, करते आ रहे हैं, तो इसमें ज्यादा सोच विचार करने जैसा कुछ भी नहीं है। और एक बात हमें ध्यान रखनी है जो कि स्वर्णिम बात है आज के इस क्रमांक की, कि ऐसा इस धरा पर कोई भी मनुष्य पैदा नहीं हुआ है, ऐसे किसी व्यक्ति ने जन्म नहीं लिया है जो केवल और केवल सुखों का ही वहन करता आ रहा हो। हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख का क्रम आता ही आता है, इस अकाट सत्य को कोई भी टाल नहीं सकता। तो इसीलिए मनुष्य की समझदारी इसी में है। महाराज जी इसी बात की ओर बल देते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा स्थायित्व के भाव में रहता है, अर्थात सुख और दुख को एक ही दृष्टि से देखता है, हर क्षण को ईश्वर की कृपा पात्र मानकर अपने जीवन में धारण करता है, ऐसा व्यक्ति एक संत की श्रेणी में आ जाता है। ऐसे व्यक्ति को हरा पाना किसी के लिए भी असंभव कार्य बन जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति स्थायित्व में अपने जीवन को मानता है और इसी क्षण में जीवन को समझता है, यानी कि हर क्षण में अपने वर्तमान जीवन को देखता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही सिद्ध हो जाता है। क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में मनुष्य अपने बीते हुए कल को सोचकर और आने वाले भविष्य को सोचकर बहुत दुखी है, लेकिन वर्तमान में क्या चल रहा है, वर्तमान में जो अनुभव आ रहे हैं उनका अनुभव किए बिना ही या उन अनुभवों को अच्छे क्षणों को भूलकर केवल और केवल भविष्य के बारे में हमेशा चिंतित रहता है, ऐसा मनुष्य भी जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता। क्योंकि वर्तमान में ही जीवन का सार है और इस वर्तमान को यदि आप ठीक करते हुए चले गए तो निसंदेह आपका भविष्य भी बहुत ही स्वर्णिम होगा। तो इसीलिए इस बात को महाराज जी कई तथ्यों में समझाने का प्रयास करते हैं। महाराज जी की बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो कि महाराज जी इस बात की ओर हमें इंगित करते आए हैं कि हमेशा अपने जीवन को आज में जीना सीखिए। जो व्यक्ति आज में बहुत ही जागृत अवस्था में रहकर कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति को भविष्य में पछताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और दूसरी बात महाराज जी कहते हैं कि भूतकाल में जो भी कार्य आपके द्वारा हुए हैं, चाहे वो बहुत ही बुरे कार्य हों या बहुत ही अच्छे कार्य हों, उनके कारण आप अपने वर्तमान को बिल्कुल भी खराब मत करिए। मुख्यतः ऐसे कार्य जो भूलवश आपसे गलत हो गए हैं, क्योंकि अच्छे कार्यों में तो हमेशा उसका फल आपको अच्छा ही मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो बुरे कार्य, जो बुरे कृत्य आपसे हो चुके हैं उन्हें बदला नहीं जा सकता। लेकिन ये भी सत्य है कि आपका वर्तमान समय यदि आप ठीक करें तो आपके वर्तमान समय को आपसे कोई नहीं छीन सकता और निसंदेह इससे आप अपने आने वाले भविष्य को भी बहुत अद्भुत बना सकते हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही लाभान्वित करने वाला हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है।